अति आपत्तिजनक है। तो मुख्यमंत्री जी आपको गंभीरता दिखानी चाहिए थी, आप हंस रहे हैं, इसको बड़े कैजुअल तरीके से ले रहे हैं जिससे कोई बड़ी घटना नहीं घटी। कल जिस तरह से मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने एक की हत्या कर दी और 10 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया, संभवतः बिहार के इतिहास की ये पहली घटना है कि जब 30 किलोमीटर की दूरी में कोई बाइक सवार चलते हुए और लोगों को अंधाधुंध गोलियां चला रहा, और बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा गोलियां चली और पुलिस कुछ नहीं कर पाई जबकि 4 थाना वो पार कर गया। और आज मुख्यमंत्री की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। वो कह रहे हैं कि साजिश, अगर साजिश है आपकी पुलिस क्या कर रही थी, सीआईडी डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, साजिश का पता क्यों नहीं चला आपको, आपकी पुलिस इतनी कमजोर हो गई कि कोई साजिश रचे और आपको पता भी न चले। अब फिर इस पूरे मामले को जिस तरह से जातीय रंग देने का प्रयास किया जा रहा है बहुत ही गलत है, क्योंकि गोधना आधारपुर जहां से गोली की शुरुआत हुई है गोली चलाने की, वो तो भूमियारों का इलाका है और एनएच के किनारे किनारे तो कहीं घनी बस्ती है ही नहीं, और मरने वाले जो खुमचा बेचने वाला, खुमचे पर बेचने वाला, आइसक्रीम बेचने वाला, और एक घायल तो राजपूत जल्दी से आता है, तो इसलिए जो लोग घायल हुए हैं उनकी जाति कुछ भी हो, मारने वाला कोई जाति देकर नहीं मार रहा था, वो तो अंधाधुंध चला है एक कोने से दूसरे कोने तक और मरता चला गया एनएच के ऊपर जो है। तो एनएच के किनारे कहीं घनी बस्तियां नहीं रहती है, मिक्स पॉपुलेशन, इसे ये कहना कि फलाने जाति की बस्ती है ये बहुत ही आपत्तिजनक है। तो मुख्यमंत्री जी आपको गंभीरता दिखानी चाहिए थी, आप हंस रहे हैं, इसको बड़े कैजुअल तरीके से ले रहे हैं जिससे कोई बड़ी घटना नहीं घटी। आपको तो मृतक परिवार के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए थी, दुख प्रकट करना चाहिए था, वो कुछ न करते हुए जैसे कोई एक सामान्य घटना हो उस प्रकार की प्रतिक्रिया आप दे रहे थे।